2003 में पहली धम्म परिषद मुखेड़ में ले लिए, उस वक्त ये बुद्ध की मूर्ति नहीं थी। फिर 2003 में वेंकट रमना हैदराबाद, इससे मेरी मुलाकात हो गई और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला मुखेड़ के तहसील ऑफिस में बिठाए। फिर बाद में वेंकट रमना को इस जगह में पुणे नगर में एक 50 पूछ लिया तो उन्हें कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरह से जैसे हैदराबाद में उछली सागर में मूर्ति है बुद्ध की, मैं उस तरह बैठ के मूर्ति 50 फुट की मूर्ति फिर संकल्प किए। फिर वेंकट रमना ने यहाँ हमारे मुखेड़ में कम से कम 1 साल भर यहाँ रह के ये बुद्ध मूर्ति बनाई। और जब ये बुद्ध मूर्ति 2004 में हम बनाए तो पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ पहुँच गए और ये बुद्ध मूर्ति पूरे महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मूर्ति, पहली मूर्ति महाराष्ट्र में वो मूर्ति है, देश में तीसरी क्रमांक की मूर्ति बन गई, इस मूर्ति का गिनती हुई। इसीलिए अब ये 8वीं धम्म परिषद आज 27 फरवरी हम 8वीं धम्म परिषद बना रहे हैं। इसलिए इस महाराष्ट्र में, इस जिले में, इस तालुके में, इस गांव में, परिसर में ये मूर्ति की बहुत प्रसिद्धि हो गई है। और ये मूर्ति बनाने वाला हमारा वेंकट रमना है, ये भी इसकी भी बहुत प्रसिद्धि हुई वाली है। वेंकट रमना और